एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं करूँगी व्लॉग शूट। पहले मुझे नहीं पता था, फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेते, मेरे पास कंटेंट ख़त्म हो गए तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊँ। अभी मैं बाल स्ट्रेट करी थी, ये देखे आगे से मेरे बाल रह गए स्ट्रेट। ये भी मेरे असली बाल है, मेरे स्ट्रेट हुए हुए बाल। तो मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि मैं बाल कर्ल करूँ या स्ट्रेट ही रखूँ, अभी ये देखते क्या होता है। और मैं तैयार हो रही हूँ, साथ साथ तैयार तो नहीं हो रही, बालों को अभी मैंने स्ट्रेट किया, अभी मैं कर्ल करूँगी फिर मैं तैयार होंगी। फिर कपड़े तो डिसाइड ही रहे कौन से पहने, और नैना और साइमा आएगी, साइमा मेरी भाभी है और नैना मेरी छोटी बहन है, हम सारे मिल के तैयार होंगे। बाल तो हम सब ने ही कर लिए घर में अपने अपने, तो अब देखते वो कब आती, फिर मैं आप लोगों को आगे से ये स्ट्रेट करके आती हूँ। बाल स्ट्रेट हो गए हैं, अब मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं बाल स्ट्रेट करूँ, स्ट्रेट ही लेके जाऊँ या कर्ल करूँ। लेकिन मुझे लगता है मेरा जो ख्याल है कि मुझे कर्ली बाल ज़्यादा सूट करते, इसलिए मैं सोच रही हूँ बालों को कर्ल करूँ। ये पीछे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको आपने इग्नोर करना है, आपने ऐसे समझना है जैसे आप उनको कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है? क्योंकि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर टाइम कंस्ट्रक्शन होती रहती है। तो अभी मैं शायद बालों को कर्ल करूँ। तो अच्छा सर, अभी 5 बज रहे हैं, तो नहीं 5 नहीं बज रहे, 6:30 हो गए। तो अच्छा, ये जो टाइम होता है ना, इसमें ऐसे नींद आती है, ऐसे नींद आती है जैसे हमने ना 5-6 गोलियां खाई हुई है नींद की, और बस आप अब बेहोश होने वाले हैं। और अभी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैंने तैयार होना है, लेकिन मुझे ना ख्याल आ रहा है नींद का बार बार, इतनी नींद आ रही है मुझे, मैं क्या करूँ। लेकिन अब मैं सो नहीं सकती मैं इंतज़ार करूँ, जब से जैसे मैंने सोना है ना, मुझे पता है ऊपर से ना इन दोनों ने आ जाना है, तो मैं फिर इंतज़ार करती रहती हूँ, फिर जब आती हैं फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी आगे क्या होता है। तो अब बज रहे हैं 6:45 हो गए हैं, हम लोगों ने निकलना है 7:30, हम लोगों ने वहाँ पे 8 बजे पहुँचना, ऐसे हो नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। ये हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोगों ने 8 बजे वहाँ पर पहुँचना है डिनर के लिए, लेकिन हमेशा हम लेट ही होते हैं, क्योंकि जब जब स्पेशली लड़कियां जा रही हो ना, एक दो या दो, वो भी अब हम लोग 3 लड़कियां जा रही, कभी भी टाइम से हम लोग ना तैयार होंगे ना निकलेंगे, ये तो डन है। लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग हो जाएं 7:30 बजे तक तैयार, अब देखो क्या होता है। तो 7:15 रहते हैं, अभी मेरे बाल कर्ल करने भी मैंने तैयार होना है, इतना काम है, फिर वो 2 और भी हैं, उन सब का मिला के ऐसे कभी नहीं होगा कि हम लोग आधे घंटे में या 45 मिनट में तैयार हो, कभी भी नहीं। चलो देखते क्या होता है, लग रहा है ये लोग आएंगे, देखना इनकी मैं वीडियो बनाऊंगी इनके हालात देखना थोड़ी देर बाद इनको अच्छा तो आप लोग एक्साइटेड है जाने के लिए? यस ब्रो। नैना तैयार हो रही है, यहाँ साइमा लास्ट और अब मैं आपको अपने तैयार उनकी वीडियो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये दोनों तैयार हो गई है ना, ऑलमोस्ट डन, साइमा भी डन ऑलमोस्ट, और मैं अभी इनका वेट कर रही हूँ, मैंने अभी तैयार होना है, और मैं अभी देख पुराने अपने देखे घर के कपड़ों में हूँ अब मैं तैयार होने लगी हूँ, मेरे बाल स्ट्रेट, और मैं तैयार होंगी फिर मैं करूँगी, और ये पीछे लाइनर लगा रही, ये दोनों तैयार हो गई और मैं रह गई। अभी मैं स्टार्ट करूँगी, किस से स्टार्ट करूँ, मॉइस्चराइज़र से, ये मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी मैं, और ये फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है वीडियो। ये पीछे लड़ रही है और ये वीडियो खराब हो रही है, और मैं अब कलर करेक्शन करूंगी इससे, रुको मुझे दिखाओ। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा मैं इधर देखूँ, सॉरी कलर करेक्शन की तो मुझे हर जगह पे ज़रूरत है, पहले पूरे मुंह पे लगाओ कलर करेक्शन, मुझे कलर करेक्शन में ना फाउंडेशन की तरह लगानी चाहिए, थोड़ा लंबा, यहाँ तो एक्स्ट्रा ज़रूरत है मुझे। देखो अब मैं इसको ब्लेंड करके आती हूँ, कलर करेक्टर तो मैंने ब्लेंड कर लिया, अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, फाउंडेशन के लिए मैं कितना प्यारा है, फाउंडेशन के लिए मैंने फाउंडेशन में ये रिवाज यूके का ना सन ब्लॉक है, ये मिक्स करके लाया है, ये सन ब्लॉक तो मैं इसको सन ब्लॉक के लिए तो यूज़ नहीं करती, देखो लेकिन इसको एज अ फाउंडेशन यूज करती हूँ, बहुत सूट करता है बहुत और ये दोनों तैयार हो गए, आप लोग अपना बूथे दिखाना, बूथा
और सारा भी था आप भी दिखा दो। हाँ चलो इनके देखिए मेरा थोड़ी देर बाद अच्छा हो जाएगा। फाउंडेशन में लगा दिया, मेरी स्किन देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा एनी वेज उसके बाद मैंने आईब्रोज अभी बनाने फिल करनी है, वो मैं फिल करूँगी ऑफ कैमरा, उसके बाद फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास, आई शेयर मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी आई मेकअप, देखती हूँ कैसा करना है। सो आई एम डन विद माई आईब्रोज, अब उसके बाद मैं आई शेयर लगाऊंगी। आई शेयर के लिए मैं ये पैलेट यूज़ करूँगी, और इस पैलेट में से फर्स्ट मैं ट्रांजिशन शेड लेती हूँ, कौन सा लूँ, ये वाला लूँगी, ये वाला, इसको मैं पूरी आई लाइन पे अप्लाई कर दूँगी। वैसे मैं इस व्लॉग है इसमें मैं मेकअप थोड़ी सी खा रही हूँ इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। सिर्फ कलर दिया अपने आईज पे और कुछ भी नहीं। ग्लिटर है हैंग फैंग का, पूरी आई लिड पे मैं अप्लाई करूँगी। ये हैंग फैंग का ग्लिटर है गोल्ड कलर में, कोई नाम नूम कुछ भी नहीं है। ये पूरी आई लिड पे अप्लाई करूँगी, फिर देखना मैं कितनी प्यारी लगूँगी। अभी जैसे टैपिंग मोशन है मैं पूरी आई लिड पे ना, आईज पे ये देखें कैसे दिखाऊँ, ऐसे ग्लिटर लगाया है। अभी मेरा से ऊपर से आई मेकअप कंप्लीट हुआ है, नीचे से भी मेरा रहता है फुल, और ये रहना पूरी तैयार हो गई है। अभी हम लोग आप सबको, आप लोगों को अपनी ओवर लुक भी दिखाएंगे सब। अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी नहीं दिखानी। अच्छा तो अभी मैं ऊपर से अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, अब मैं नीचे से करके आती हूँ, नहीं वो भी आप लोगों के सामने करूँगी। अब मैं ये वाइट पेंसिल लगाऊंगी यहाँ अपने सारा ब्रश। अब एक और काम भी के बाद मैंने ये वाइट पेंसिल है वो अपनी यहाँ पे लगाई अंडर आईज पे मैंने। अब ये वाले ना इसको पीछे, उसके बाद ये ना मैंने ये वाला कलर लिया वाइट वाला, ये जो कॉर्नर पे ग्लिटर मैट नहीं ये शाइन वाला ना वाइट कलर ये मैंने लिया इस पे ब्रश पे, और मैं इसको यहाँ इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी ऐसे हल्का से। ये देखें आप देखो, आप ये देखें। अब मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया, अब बस मस्कारा लग गया वो लगाती हूँ, वो मैं ऑफ कैमरा लगा के आप लोगों को अपनी आई लुक कंप्लीट दिखाती हूँ। सो मेरा आई लुक कंप्लीट हो गया, मैंने आई लाइनर नहीं लगाया सिर्फ मस्कारा लगाया ऊपर भी नीचे भी, और बाकी आप लोगों को मैंने दिखा दिया था। अब मेरी लिपस्टिक रहेगी, ब्लश ऑन रह गया, तो मैं कपड़े पहन के तैयार हो जाऊँगी, ज्वेलरी पहनूंगी, और ये मेरी नेल पॉलिश रहेगी। हाँ एक और चीज़ रहेगी, मैं बाल कर्ल करने अभी, मुझे तो अभी आता है। अच्छा तो आई लुक कितनी प्यारी लग रही है, मुझे आपने ज़रूर बताना है कि मेरी आई लुक, अगर किसी ने देख लिया तो प्लीज़ बता देना। लिपस्टिक के लिए पहले मैंने ये फ्लोर मार्की ना पिंक, पता नहीं कौन सा कलर है ये, नंबर 1011, वो मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया। अब मैं ना सिर्फ यहाँ पे ना मैं टिंट अप्लाई करूँगी, ये वाला क्या हल्का सा ताकि ना बंद करो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ना मैं एक और चीज़ करूँगी। ये पैलेट एक छोटा सा, इसमें इसमें ये वाला कलर ना सिर्फ हल्का सा अपने यहाँ पे लिप्स पे लगाऊंगी, तो बहुत ना कुछ ऐसा होता है, ये अच्छी लग रही है इससे ना लिप्स फुलर लगते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं वो इससे अब ब्लश ऑन रह गया, मेरा मेकअप तो डन हो गया, अब मेरे बाल कर्ल करने हैं, उसके बाद मैं फिर ज्वेलरी पहनूंगी, कपड़े पहनूंगी, फिर आप लोगों को फुल लुक दिखाऊंगी। ये मेरा मेकअप बिल्कुल लाइट मेकअप किया मैंने, बाकी मैं आप लोगों को पूरी लुक दिखाती हूँ। मेरा आउटफिट है ये टर्टल नेक है, और इसके साथ है ये ट्राउज़र, और ये दो बैग्स में कंफ्यूजन है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों में से देखते कौन सा मैं लूँगी, जो सूट किया वो ले लूँगी। और बस अब तैयार होके हम आपके सामने आए। Yeah.
आके बैठ गए। ऐसे मौसम में खाना खाने का अपना ही मज़ा है। एनीवेज अब हम खाना ऑर्डर करेंगे, लेट्स सी क्या ऑर्डर करते हैं। मेरा माइंड है कि मैं स्टेक ऑर्डर करूं और साथ पास्ता। मेरा जो मेरा दिल कर रहा है स्टेक, पास्ता और मलाई बोटी खाने को बहुत दिल कर रहा है। मलाई बोटी रूफ टॉप पे बहुत मज़े की थी, पहले आई थी और दिनों पहले तो बहुत मज़ा आया था, तो अभी भी शायद मैं वही खाऊँ और ये पास्ता ऑर्डर करूँगी। ये रूफ टॉप पे पहले हमने डिसाइड किया था हम मेल्टिंग सॉन जाएंगे, लेकिन रूफ टॉप पे ज़्यादा वैरायटी है तो हम लोग इधर आए। और ये बैठे हुए ये वो सब दिखाती हूँ आगे से, ये हम लोग ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, मेरी हाइट बहुत छोटी है। और ये लोग बैठे हुए यहाँ पे, ये तीनों और बाकी दो मेरे साथ जो आई थी वो है। इनको अभी हर टाइम इनको फ़ोटो शूट का बस पड़ा होता है। ये आप लोग चलो मेरे व्लॉग में आए, अपना ड्रेस दिखाओ। साइमा इज वेयर साइमा इज वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड नैना इज वेयरिंग जंप सूट और ये नेकलेस भी इसका देख लें, प्यारी लग रही। मेरा भी दिखाना, मैं अभी आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी अपना। बस बाकी अब देखते क्या बोलना, व्लॉग भी नहीं बनाना आता मुझे। देखे फोटो शूट कर रहे हैं, दिखाओ क्या बनाया। चलो स्लोमो बना रहे, चलो ये स्लोमो बना रहे। और ये हमारा फैसलाबाद। आज का वेदर बहुत अच्छा था, हमने सोचा चलो हम डिनर पे जाते हैं और फिर हमने डिसाइड किया रूफ टॉप पे आते हैं और गर्मा गर्म खाना, बारबेक्यू। यहाँ पे सारे हर टाइप का खाना होता है तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी आप लोगों के साथ ये भी शेयर करेंगे हम लोगों ने क्या खाया। और ये देखिए जिधर मर्जी आ जाओ इनको एक का। अभी आप लोगों ने मेरा भी फ़ोटो शूट करना है, अच्छा नीचे जाके करना। चलो अपनी तरफ से नैना मॉडल बनती, लेकिन से ना वो ढूंढ रहे थे मिरर, ताकि हम लोग मिरर सेल्फी बनाए, तो हमें यहाँ पर मिरर मिल गया इतने देर बाद। तो अब हम फोटो शूट मिरर में मिरर सेल्फी लेंगे। मेरा फेवरेट पार्ट है कि ना मैं मिरर सेल्फी बना लूँ। मसला है कि हम लोग ना तीनों पूरे नहीं आ रहे, तो ये जो बीच में क्यों लगाया आप लोगों ने, हमारी भी पिक्चर खराब हो गई, ये लुक हम लोगों की पिक्चर नहीं आ रही। अब हम नीचे जाके ना एक और स्टैंडिंग मिरर ढूंढते हैं। ओ सॉरी, हाँ स्टैंडिंग मिरर ही होगा, नहीं मिरर, अच्छा जो भी वो ढूंढे। अच्छा वैसे ये हमारे आउटफिट, ये लाइट में आ रही, अच्छे लग रहे हो ना हम तीनों। प्लीज गाइस हमें बताएं हम कैसे लग रहे हैं। ये बीच में क्यों आप लोगों ने लगाया रूफटॉप, हमारे मुंह ही नजर आ रहे हैं। रूफटॉप ये हटा दे प्लीज। नीचे जाते जाते वो देखे हमें एक और मिरर नजर आ गया। जहाँ पे मुझे ना मिरर नज़र आता है बस मैं कहती हूँ कैमरा निकालो और हम बस शुरू हो जाए। मुझे इतना क्रेज़ है ना, ऑब्सेशन है मिरर सेल्फी की। अब हम वहाँ जा रहे, देखे सारे कैसे पागल हो गए इस मिरर के। ये ना पीछे से नज़र आता है ना, यहाँ पे जिम है। हाँ जिम बंद हो, अच्छा बंद हो। हम लोगों ने मंगवाए थे कबाब, पेशावरी कढ़ाई, पास्ता और भूख लगी मेरी प्लेट। चलो मैं ना, हम लोगों ने मंगवाया था ये, हमने स्टेक स्पेशल मंगवाई थी अपने लिए, वो मलाई बोटी और ये हमारा ये स्पेशल हमारा था, बाकी इन्होंने अपना मंगाया, लेकिन खाएंगे हम सब कुछ ना। हम लोगों ने खाना खा लिया, अब हम चाय का इंतजार करें। चाय जो मर्जी जो मर्जी हो जाए, चाय बहुत जरूरी है ना, हम लोग चाय लवर्स हैं। अरे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा हम चाय कितने, सिर्फ 150 व्यूज आए हैं। अच्छा तो पता नहीं व्लॉग में सबसे अच्छा जो है ना, सबसे अच्छी कैचअप लगी साइमा को राइट। नहीं मैं सच बताऊँ, मुझे खाने में सबसे अच्छा मलाई बोटी पास्ता
मुझे सबसे अच्छी स्टेक लगी और मलाई बोटी और नैना आपको मुझे सबसे अच्छा स्टेक और पास्ता मुझे भी ट्रेंडी हमारे शूज हमारे इन लोगों की फरमाइश पे मैंने कहा चलो आप लोगों के जूते दिखा रहे हैं सेम सेम तीनों ने चूज वाले जूते ना टाइम हो गया चाय नहीं आ रही और हम लोगों मेरा और नैना का फोटोशूट रहता साइमा का हम लोगों ने पहले ही कर दिया मेरा हो गया और हम लोगों ने ना इनको बोला कि आप लोगों ने जाना नहीं है जब तक हमारा फोटोशूट नहीं है सारे वैसे बैठे हुए पूरे करवाना था अभी ने भी करवाना अम्मी ने भी करवाना है और मैं और हम लोग नजाइमा भी कर लेंगे फोटोज मैं गेन कर लूंगी अगर एक दिन की फोटो ना हो ना गेन कर अगर अगर एक दिन पिक्चर ना ना हो तो ऐसे लगता है हमारा दिन जाया हो गया अगर हम बाहर आए तैयार होके आए और हमारा फोटो शूट ना हो तो ऐसे लगता है बस ये कपड़े भी जाया हो गए दिन भी जाया हो गया हर चीज जाया हो तो फोटो बहुत जरूरी है ना आपने ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय और इन मुंह के साथ चाय हमारी जान हो चाय के बगैर ना ये जिंदगी है ही नहीं पता नहीं लोग कॉफी कैसे पीते हैं ना चाय ज्यादा पसंद है लोगों को कॉफी चाय पता नहीं लोग चाय को भूल के कॉफी कैसे पी लेते हैं क्या जिंदगी है तुम लोगों की भाई हमारी कोई जिंदगी नहीं चाय के बगैर अरे चाय चाय पता नहीं चम्मच क्यों इतना ले ये पीछे से इतना लगे ये क्यों है ये इधर पहुंच और देखो इतना लंबा चम्मच ये इतना लंबा क्यों है चम्मच देखो ना मेरी जुबान इससे भी लंबी है ये नैना का नाक नैना का नाक इतना लंबा हमने खाना भी खाया हमने चाय पी ली अब हम लोगों का फोटोशूट रहता है सबका फोटोशूट हो गया सब चले गए मैं साइमा और नैना रह गए अब हम आजाद हैं कोई फैमिली नहीं है ना नैना फोटोशूट वेरी इम्पोर्टेंट ये एक ना ज़रूरी चीज़ है तो हमारा इंतज़ार करें और हम लोग अब जा रहे हैं चलो चलें लोग घर जाके चलो अंकल बाय बाय हो गया लोग एंड करेंगे हम अब हम बाहर निकल रहे हैं अल्लाह हाफिज़ सारा घर का नहीं लेना हाँ क्या किधर से बाय 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 शायद अभी आगे भी बनाए हम अच्छा दिन गुजरा आज का गोइंग टू होम घर आने के बाद के हालात देखे जब हम मेकअप करके ऐसे छोड़ गए अब मैं ये सेट करूँगी कितना सुकून मिल रहा है हील्स पहन के 5 घंटे हो गए और मेरे पाँव स्वेल हो गए अब मैं अपना ये सुकून वाला जूता पहनूंगी सुकून आ जाएगा पाँव में इतना सुकून आ रहा है घर आके अपना ही मज़ा है एक दिन बाहर चले जाओ थक जाते हैं खैर बाय बाय व्लॉग एंड कर रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़